बच्चा जो किस लोकेशन पे है। कई बार होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी कि बच्चा, वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और उसकी वजह से आपके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा, डॉक्टर आपकी 4 to 6 weeks की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब उसके बाद में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा, और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अबॉर्शन के बाद में अगर ब्लीडिंग ना हो तो क्या करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैंने रेपिटेटिवली बोला है कि अपनी तरफ से, अपने हिसाब से चीज़ें बिल्कुल ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको बेबी नहीं चाहिए, आपको अबॉर्ट कराना है, तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात को आप बिल्कुल अपने में गांठ बांध लें कि अपने आप से कुछ नहीं करना, अपने आप से कोई मेडिकेशन नहीं लेनी है, वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और उसकी वजह से आपके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। सो इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आपको अबॉर्शन कराना है, तो आपको प्लीज़ डॉक्टर के पास में ज़रूर विज़िट करना है। दूसरी चीज़ ये, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको अपना अबॉर्शन कराना है, तो वो एक तो आपसे रीज़न पूछते हैं कि आपको अबॉर्शन क्यों कराना है। मे बी कि इन केस अगर आप प्रोसीजर के लिए जाते हैं और या फिर मेडिकल टर्मिनेशन के लिए जाते हैं, तो फिर आपका कहीं बीच में माइंड ना हो और बाद में अगर आप रिग्रेट ना करें, तो इसके लिए वो आपसे थोड़ा सा काउंसलिंग करते हैं डॉक्टर, और जानने की कोशिश करते हैं कि आप अबॉर्शन क्यों कराना चाहते हैं, क्या रीज़न है कि आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। जो भी आपके रीज़न से, खुल के अपने डॉक्टर के साथ में उनको डिस्कस कीजिए, एंड देन फिर उसके बाद में जब डॉक्टर आपकी 4 to 6 weeks की जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तब उसके बाद में वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने के बाद में उनको एग्जैक्टली पता चलता है कि भाई बच्चा जो किस लोकेशन पे है। कई बार होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी कि बच्चा फेलोपियन ट्यूब्स में भरना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर मेडिकल किट जो है वो काम में नहीं आती है, वहाँ पर सर्जरी करनी होती है। सो अपने आप से कोई मेडिकेशंस नहीं लेनी है। अल्ट्रासाउंड के बाद में डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि क्या आगे स्टेप्स लेने हैं। अगर आपका 4 to 6 weeks हो गया है और फिर उसके बाद में डॉक्टर आपको MTP किट के लिए, यानी कि अनवांटेड किट के लिए प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो उसको वो आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से MTP किट को लेना है। MTP किट को किस तरीके से लेना है वो मैं आपको आने वाली और वीडियोस में बताऊंगी, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब अगर आपको डॉक्टर ने MTP किट प्रिस्क्राइब कर दिया, उसको लेने का तरीका बता दिया है, तो आप उसको उसी तरीके से लीजिए। अब MTP किट आपने ले ली है, उसके बाद में 24 to 48 hours हो गए हैं, आपको ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास में जाना है, कंसल्ट करना है कि मुझे ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं हुई है, ना तो आपको कोई टिश्यू बाहर निकला है, ना आपको कोई भी ब्लीडिंग हुई है, तो उसके क्या रीज़न है। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, तो इसके लिए आपको वापस से अपने डॉक्टर के पास में जाना है, उनसे बात करनी है, देन फिर उसके बाद में डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके बाद में एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है। कई बार होता है MTP किट है वो काम नहीं करी है आपके ऊपर, या फिर MTP किट जो है वो एक्सपायरी है। यूजुअली आप लोग जब लेते हैं तो ऑब्वियसली हमेशा जब MTP किट लें, तो एक बार प्लीज़ उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको ज़रूर चेक कर लीजिए, नियर या आफ्टर वाला, ऐसा नहीं हो कि एक्सपायरी होने वाली है या फिर एक्सपायरी हो चुकी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि MTP किट ने उस तरीके से असर नहीं किया है, देन फिर उसके बाद में डॉक्टर या तो आपको DNC के लिए बोल सकते हैं, या फिर आगे प्रोसीजर आपको बताएंगे कि किस तरीके से, अगर मेडिसिन लेनी है, अगर मेडिकेशंस लेनी है, तो वो आपको मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब करेंगे। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना है इन सब चीज़ों में, या तो प्रेगनेंसी है या अबॉर्शन है। मैंने कई बार हमेशा अपनी वीडियोस में बोला है कि प्लीज़ अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट कीजिए। जो नई नई मॉम्स होती हैं या फिर जो नई लड़कियां होती हैं, वो बेबी नहीं चाह रही होती, तो अपने आप है ना अनवांटेड किट ले लेती हैं, एंड उसकी वजह से उनको कई बार जो होता है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। साथ साथ में रिलेशनशिप को किया, आपने कंसीव कर लिया और आपको पता चला 1-2 हफ्ते के बाद में, चलो जी मैं MTP किट ले लेती हूँ, अपने आप ही अबॉर्शन कर लेती हूँ, तो उस
जूस, इन सब चीज़ों का आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अपने आप से कोई भी प्रोसीजर नहीं करना है, डॉक्टर से जाके मिलना है, डॉक्टर आगे स्कैनिंग करेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपना जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। अगर DNC करना है तो DNC, अगर होता है तो, या फिर मेडिकेशन से होता है तो फिर वो मेडिकेशन से है, अपने आप उस चीज़ को ठीक करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हुई है तो प्लीज़ वेट किसी चीज़ का नहीं कीजिए, तुरंत ही 24 आवर्स के अंदर ही आप अपने डॉक्टर के पास में जाइए, उनको अपडेट कीजिए कि मेरे को ब्लीडिंग नहीं हुई है, देन अकॉर्डिंगली डॉक्टर विल टेक द कॉल। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट अपने ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।